आज की वीडियो लेक्चर में हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के सिंथेटिक एप्लीकेशंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लेते हैं हम सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट की क्लोरो ईथर्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें हायर ईथर्स मिलते हैं। हायर ईथर जैसा हमें जरूरत होती है उस हिसाब से हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट और ईथर लेके हायर ईथर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए जब हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं, हम इसे खोल के लिखते हैं, यहां पर R डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, R एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर आकर अटैक करेगा, इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे ये बन जाएगा आपका यहां से प्लस MgxOH प्लस अमोनिया लिबरेट होगी। ठीक इसी तरह से यदि हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एथिल फॉर्मेट के साथ करवाते हैं, दिस इज एथिल फॉर्मेट, यहां पर वह न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट एल्किल ग्रुप का, इसको यदि हम हाइड्रोलाइज करवाएंगे ये यहां से निकल गया, प्लस MgxOCH5। यहां ये ध्यान देना है कि रिजल्टेंट प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बन रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑलरेडी है, यहां पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट वापस एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करके और सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता है जैसी कि रिएक्शन हमने कल देखी थी। नेक्स्ट लेते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स के लिए हम एल्किल साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे, R MgX प्लस R डैश CN, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा R का, इसको आप हाइड्रोलाइज कीजिए, R डैश R C डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस MgxOH, ये आपका कंपाउंड कीटोन बन गया। यहाँ पे जिस तरह का प्रोडक्ट हमें चाहिए वैसे इनिशियल प्रोडक्ट लेकर हम रिएक्शंस को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाएं हम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव, जैसे ये लिया हमने यहाँ पे एस्टिल क्लोराइड ले लिया यहाँ पे, इसके साथ रिएक्शन करवाएं, कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज होके प्लस MgxCl, ये यहाँ पर हमारा MgX हाइड्रोलाइज हुआ है, सॉरी OH, और यहाँ पे ये HCl यहाँ से निकल जाएगा, ये हमारा कीटोन प्रोडक्ट बन गया। ठीक इसी तरह से सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। अब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एम जी एक्स आर, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा आर सी ओ ओ एच प्लस एम जी एक्स ओ एच। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन गया यदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी। यदि हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करते हैं तो हमें डाइथायमिक एसिड मिलेंगे। MgX ये हाइड्रोलाइज करेंगे हम इसे दिस इज डाइथायोनिक एसिड। यदि हम सल्फोनिक एसिड बनाने हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोलाइज करवाएंगे इसको आर एस ओ ओ एच प्लस एम जी एक्स ओ एच। यहाँ आप देख रहे हैं सल्फोनिक एसिड एसओ टू से रिएक्शन से बनाएगा सल्फोनिक एसिड, ये डाइथायोनिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए है नेक्स्ट लेते हैं हम सिंथेसिस ऑफ एस्टर्स। इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है एथिल क्लोरोफॉर्मेट से आर ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा को हाइड्रोलाइज करेंगे हम आर सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस एम जी एक्स सी एल अलग निकल जाएगा। क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ अगर एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की आर एम जी एक्स प्लस सी एल CH2COOC2H5 तो भी MgXCl यहाँ से निकल जाएगा और ये R CH2COOC2H5 प्लस MgXCl। यहाँ इस दोनों तरीके से हम एस्टर प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि प्राइमरी अमीन बनाना है हमें सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन बनाने के लिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे क्लोरेमीन के साथ में ये अमीन तैयार हो गया आपका। ठीक इसी तरह से यदि एल्किल नाइट्राइल हमें बनाना है एल्केन नाइट्राइल तो साइनोजन या साइनोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा के हम बना सकते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल। ये इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा के साइनोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं आर सी एन प्लस एम जी एक्स सी एन या क्लोरोसाइनोजन के साथ में साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं आर एम जी एक्स प्लस साइनोजन क्लोराइड आर सी एन प्लस एम जी एक्स सी एन। ये आपका
एल्केन नाइट्राइल प्रिपेयर हो गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई कैडमियम क्लोराइड के साथ में, एल्किल कैडमियम प्लस MgHCl। यदि रिएक्शन मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ में करवाई जाए RMgX प्लस, मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया हमने, एल्किल मर्करी प्लस MgHCl या RMgX की रिएक्शन हम लेड क्लोराइड के साथ में करवाएं तो हमें मिलेगा या टेट्राएथिलेट यहाँ एथिल ग्रुप लिया तो टेट्राएथिल अदरवाइज टेट्राएल्किलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा प्लस। इस प्रकार हम दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। आपने यहाँ देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड और इसीलिए हम इसे सुपर रिएजेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं और इसी के लिए सर विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट टाइम हम फ्रैंकलिन रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।